जिज्ञासा है उनका भी मैडम श्रमण दो मिनट की बात करेंगे, समय कम रहेगा। जिलाधीश कार्य गणेश की हमारी बात कम आपस में कर सकें उसका सहयोग करें। पहले हेमलता मैडम जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा बचाओ से संघर्ष समिति राजस्थान, जिसमें एक संगठन को छोड़ के बाकी संगठन सब इसमें, एक संगठन को छोड़ के बाकी सब संगठन इसमें शामिल हैं। फिर आप चार पाँच दिन से दूर में बीकानेर से जालौर जोधपुर पाली होते हुए कल शाम को सुबह से यहाँ पहुँचे हैं। साथ में सीमागढ़ में आपका भी स्कूल है जयपुर में, मैडम का ही बहुत बड़ा स्कूल है, कहेंगे तो शायद जयपुर में अपना 40 बीघा में स्कूल है, 40 बीघा जमीन में। मैडम के भी दो स्कूल हैं, 5-5-6-6 बीघा बने हुए हैं जयपुर में। उसके लिए हम इस संगठन में जो आयोजित किया है मैंने संघर्ष समिति प्रधान ने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर के उसके निर्देशन में मैडम सहयोग कर रहे हैं। हमारी बात को स्कूल जो गवर्नमेंट की नीतियाँ आ रही है वो हमारे स्कूल में तालाबंदी की आ रही है, ये सभी को मालूम सही गलत है। अगर गवर्नमेंट की नीतियों में चलते रहे और गवर्नमेंट चाहती हमारे स्कूल बंद हो, ये हम मान रहे होंगे ना, एक तो गवर्नमेंट देखिए निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं कि निःशुल्क किस बात को पढ़ा रहे हैं, हम लोग कहते हैं उस पर कहाँ दे रहे हो फिर फिर किस बात, और हमारे को आप बंद कर रहे हो और आपका चालू हो गया। ये नीतियाँ जो गठन किया गया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हेमलता मैडम भी देगी, सीमा मैडम भी देगी, और हमारे जो साथी हैं उनमें से मन में जो भावना है इसका क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए उसके लिए प्रश्न पूछेंगे। मेरा जो अभिप्राय है परिचय स्टार्ट करते आपका मैं करता हूँ ताकि समझ लेंगे। सीमा मैडम मैडम आपका भी अच्छा रहेगा। मैं सीमा शर्मा जयपुर में भी अक्षर धाम अकेडमी की तरफ से बोल चुकी हूँ और हम लोगों ने सबने मिलकर संयुक्त शिक्षा संग्रह समिति बनाई है जिसमें जयपुर के नहीं पूरे राजस्थान जितने भी संगठन हैं वो सब एक बैनर की तरह आ चुके हैं और वे लोग सब चाहते हैं कि हमारी सबकी एक ही तो डिमांड है, जो भी हमारे खिलाफ गलत एक्शन लिए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के साथ वो आज स्कूल वालों की हमारे शिक्षकों की हमारे यहाँ काम करने वाले गार्ड्स वगैरह की आ रही है तो उसी से रिलेटेड आज हमारी मीटिंग का टॉपिक है। हम आज ज्ञापन भी देंगे प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सब चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से हमारी क्या क्या समस्याएँ चल रही हैं और उन समस्याओं का कैसे निराकरण करना हम लोगों की क्या डिमांड है इससे रिलेटेड है। मैं संयुक्त शिक्षा संघर्ष समिति में प्रवक्ता की पोस्ट हूँ और आर्थिक प्रॉब्लम क्या है। मैंने क्लास दे दी
या मैं ये डिसीजन लेती हूँ मैं बंद कर रही हूँ, मेरे पड़ोस वाले दे रहे हैं केवल सुपेरिटी दिखाने के लिए कि देखो तब हमारा स्कूल बढ़ा है, तो क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। लेकिन अगर अपन मीडिया के समक्ष एक प्लेटफॉर्म से संपूर्ण राजस्थान के स्कूलों की तरफ से हम ये कहें कि साहब ऑनलाइन क्लासेस हम देना चाहते हैं, लेकिन जो टीचर ले रहे हैं उनको पहले वेतन चाहिए। अगर आप वेतन नहीं देंगे, अगर आप फीस नहीं देंगे और वो वेतन नहीं पाएंगे तो वो नहीं पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कंपनीज के लिए, मैं आपको बताऊं कि साहब आपको एम्प्लॉयज को, आपको वर्कर्स को तनख्वाह देनी पड़ेगी, यू हैव टू पे योर अमाउंट। लेकिन ये सारी सिचुएशन को देखे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया साहब कि जब प्रोटेक्शन नहीं है, जब आवक नहीं है तो फिर वो देंगे कैसे। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को 5 साल के लिए घर बिठा दिया है कि साहब कस्टमर्स नहीं है, फ्लाइट्स नहीं जा रही है, हम आपको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को उम्र से पहले रिटायर कर दिया है, जिनकी नौकरी को 20 से 25 साल लगे उनको घर बिठा दिया है, तो हम घर बैठे भी कैसे दे पाएंगे। एक चीज और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेट किया गया है, मिसकंसेप्शन दिया गया है सभी स्कूलों को, हमारी मांग है कि देश में कैटेगराइजेशन, स्कूलों का कैटेगराइजेशन करो। आपने 5,000 रुपए लेके जो 4,000 गली में आप चलिए, मेरे साथ जाओ आप धौलपुर चलिए, आप गांव के ग्रामीण क्षेत्र में चलिए, स्कूलों में कितने कम फीस होगी, 3,000 रुपए की वार्षिक फीस है, उनको भी इसी कैटेगरी में कर रखा है, और जिसकी 5,00,000 रुपए फीस है उसको उस कैटेगरी में कर रखा है। मैं आपको हमारे जयपुर का उदाहरण देती हूँ मैम, हमारे जयपुर में एक मिशनरी स्कूल है, सारे स्कूल हमारे अगेंस्ट ऑफ एनी स्कूल, लेकिन विडंबना क्या होती है, मिशनरी स्कूल ने साहब बच्चों को बुला के ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एग्जाम ले लिया, आपके अजमेर में ऐसे स्कूल ने बुला के एग्जाम ले लिया, ठीक है कानून तोड़ा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कारण उनका मंत्री जी तब सेटिंग है, अंडरटेकिंग काम चलता है ऐसे स्कूलों का। मैं पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं लेती कह रही, लेकिन जो इस तरह की बदमाशी करते हैं कार्रवाई उन पर नहीं होती है। कार्रवाई किस पे होती है, जो गली में 4,000 रुपये लेके वार्षिक काम कर रहे हैं, जिसने अपने बच्चों को परमिशन लेके देने के लिए बुला लिया, उसी ने बीकानेर के डिपार्टमेंट से ऑर्डर जारी कर दिया कि इस पर्टिकुलर स्कूल की मान्यता रद्द की जाती है। कुछ स्कूल है इधर जयपुर में जो वास्तव में अभिभावकों की जो केस शुरू हुआ था ना फीस एक्ट का, हमारे जयपुर में बहुत बड़ा स्कूल है जिसकी वार्षिक फीस है 5,00,000, और बाहर के बच्चे भी आते हैं, एलीट क्लास के बच्चे वहां पर जाते हैं, दे बाउंडेड पेरेंट्स कि आपको 4,000 का जूता 1,800 में लेना पड़ेगा। ये सारा झगड़े के फसाद वहां से शुरू हुई, तो हमने मीडिया को भी कहा है, सरकार को भी कहा है कि आपको देखिए सरकार कैटेगराइजेशन कर दे, अगर मैं कोई अपराध करती हूँ हमारा जो क्षेत्र है वो टीएसपी क्षेत्र है, और टीएसपी क्षेत्र में जहाँ पर बच्चों और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही कम होता है, वहां पर हम निजी विद्यालय एक बेहतर शिक्षा और उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। चाहे आप उदयपुर जिले के परिणाम में देख ले, वहां पर टीएसपी का अलग ही योगदान है, और टीएसपी क्षेत्र की जो फीस है वो फसल कटाई पर और लोकबाग परीक्षा के समय में ही देते हैं, और हम क्योंकि पूर्णतः अक्षरश कानूनी और रूप से जो शिक्षा कैलेंडर है उसको यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारी परीक्षा अप्रैल में थी और मार्च में अचानक लॉकडाउन की वजह से हमारे विद्यालय की 70 से 80% फीस ड्यूज है। कर्मचारी आज 4 महीनों से घर पे बैठा है, भूखे मर रहा है, हम खुद भूखे मर रहे हैं, या तो शिक्षा मंत्री जी हमें कुछ दें, या फिर हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं तो नरेगा के जो एक कार्य होते हैं वो हमको दे दें, हम टीएसपी क्षेत्र में वो भी चलाने के लिए कहीं आ रहे हैं, और नरेगा कर भी जब हम मेड बनेंगे तो हमारा शिक्षक हमारे साथ कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए वो भी तैयार है। तो टीएसपी क्षेत्र के लिए विशेष और साथ में ग्रामीण क्षेत्र के जितने स्कूल हैं, हमारी समस्या बहुत ही विकट है। मुख्यमंत्री निवेदन है, ऐसा नहीं, ये तो 9 का आंकड़ा है और आंकड़े आपको टीएसपी एरिया से बड़े हुए मिले। धन्यवाद। लोन्स ये सारे एजिटीज है तो हम कैसे कर पाएंगे, हम मर रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया शिक्षकों की तरफ ध्यान दीजिए, शिक्षक के जीवन की वैल्यू समझिए, अन्यथा पूरे राजस्थान में इतना उग्र आंदोलन किया जाएगा, 11,00,000 कर्मचारी हम सड़कों पर उतरेंगे, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। ठीक है, थैंक यू हेमलता।